Good morning to all of you and welcome to my lecture. Today's our topic is assumptions of valence bond theory. See what is happening over here. Last time we talked about the valence bond theory. In valence bond theory, what we had learned, when two atom combines and form a molecule, let's say hydrogen ki hum baat kar rahe the, then the two atom combine with the orbitals 1s 1s, which are actually half filled orbitals. Dono ki ek ek 1s orbital jo half filled hai, and they overlap. Khali overlap honge aisa nahi, they share 1 1 electron each and they make a bond. That was we had learned last time. That was the valence bond theory, correct? We have studied that. Now we'll continue further. In today's topic, what we are going to see is the assumptions of valence bond theory. According to valence bond theory, the half filled atomic orbitals having same symmetry, sabse pehle inki symmetry equal honi chahiye, same symmetry honi chahiye. Jab wo ek dusre ko overlap karte hai, tab having same energy. Symmetry equal hai ka matlab kya hai? I mean by this, agar 1s ke sath 1s combine ho raha hai, no issue, they can वैलेंस बॉन्ड बना सकते हैं 1s के साथ, या तो लेट्स से के 2px के साथ 2px कंबाइन हो रहा है, नो इश्यू, उनकी सिमेट्री सेम है. बट आपके पास 2px है एंड उसके साथ 2py को आप कंबाइन कर रहे हो, दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री, सिमेट्री सेम नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि उसके साथ आप नहीं कर सकते हो. सेकेंड थिंग, 1s के साथ आप 5s को कंबाइन नहीं कर सकते हो, दोनों की एनर्जी लेवल इक्वल नहीं है. द फर्स्ट थिंग, दे शुड हैव सेम सिमेट्री एंड सेकेंड थिंग, दे शुड हैव सेम एनर्जी. इफ दे हैव दिस, देन एंड देन दे आर गोइंग टू मेक वैलेंस बॉन्ड एज अ रिजल्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. एज अ रिजल्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग. वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, जितना ओवरलैपिंग होगा ज्यादा, यहां पे दो केसेस बता रहा हूं, दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है. बट अगर आप देखते हो यहां का ओवरलैपिंग जो है वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है देन द ओवरलैपिंग ओवर हियर. मोर द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, द मैग्नीट्यूड, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग. और इन अदर वे इट सेज दैट ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एटम इज मोर देन द स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड. करेक्ट. सो फ्रॉम दिस वी हैव थ्री कंक्लूजन ओवर हियर. द फर्स्ट कंक्लूजन, जनरली देयर मस्ट नॉट बी मच डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे, एनर्जी शुड नॉट बी मच डिफरेंट ओवर देयर, दे शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर. 1s के साथ 2s का कर सकते हो, ऐसा नहीं 1s के साथ कर सकते हो 2s का, बट नॉट, इट शुड नॉट बी 5s. द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड एंड द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन देम मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर एंड देयर मस्ट बी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन प्रॉपर एक्सटेंट. ओवरलैपिंग होना जरूरी बट इन प्रॉपर एक्सटेंट, सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एज द एसम्प्शन. करेक्ट. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. बट बिफोर वी गो टू स्टडी अबाउट ओवरलैपिंग, लेट अस रिकैप्चर सर्टेन सिंपल पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? सेमेस्टर वन वी हैव लर्नड अबाउट दिस. कैन एनीवन गिव मी आइडिया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल हम किसको बोलेंगे? यस शिवानी, और आपको कुछ ऐड करना है? यस
रीजन वे, ओके नाउ इफ आई कंबाइन टूगेदर, आधा चीज आपने दिया, एक चीज भूल गए आप, द रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट द रीजन वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, और द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इसको ऑर्बिटर. ओके, ये टर्म को मैं थोड़ा सा इजी तरीके से समझा देता हूं. सिंस दिस बॉय हैड गिवन मी द आंसर, लेट मी टॉक अबाउट हिम. ही इज अ नाइस बॉय, नॉट ओनली नाइस बॉय, ही हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड. ओके, ऑल ऑफ अस वी डू हैव फ्रेंड्स इन आवर क्लास, स्कूल के क्लास की बात कर रहा हूँ या तो कोई दूसरे क्लास की बात कर रहा हूँ. लेट्स से 40 फ्रेंड्स इन ए स्कूल, इन वन क्लास आ दे, ही 40 डिफरेंट फ्रेंड्स इन अ स्कूल. ओके, लेट मी ड्रॉ देम, दोस फ्रेंड्स. वो उसके घर के आजू बाजू रहते हैं, बट यू नो आउट ऑफ 40 फ्रेंड्स यू हैव सम स्पेशल फ्रेंड्स, यस और नो? बहुत ज्यादा हो गया स्पेशल फ्रेंड. ओके, इतने सारे नहीं है. आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो. ओके, बस ये जो है ना, 6 लोग क्लोज फ्रेंड, 6 आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जिनके साथ हम पानी पूरी खाते हैं, लंच बॉक्स शेयर करते हैं, पिक्चर की बातें करते हैं, और काफी सारी बातें जो मैं नहीं बोल सकता हूं करते है ना. एक दिन ये भाई साहब अपने मम्मी को बोल के निकले कि मैं जा रहा हूं अपने दोस्त के यहाँ पे घूम रहे हैं. हाँ, मम्मी को पता नहीं कहाँ गए, एंड सडनली मम्मी को उनकी घर पे जरूरत पड़ गई. फोन लगाया, बैटरी सिग्नल चला गया, बैटरी स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं, लेकिन फोन नहीं लग रहा है. वट एवर द रीजन, मे बी करेक्ट वन, मे नॉट बी. ओके, बट मम्मी को अभी उसको किसी भी हाल में फोन करके बुलाना ही है कि घर वापस आओ. मम्मी स्मार्ट है, ऑल 40 फ्रेंड्स की डायरी के अंदर नंबर लिखे हुए हैं. अच्छा, मम्मी जब इनको कॉल करेगी, 40 फ्रेंड्स के यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं, और इनको पता भी है कि इनके क्लोज फ्रेंड कौन से हैं मम्मी को, क्योंकि मम्मी को पता होते हैं जो 5 6 क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो मम्मी हर एक की मम्मी, मम्मी दे आर वेरी स्मार्टर देन अस, रिमेंबर दैट. ओके, सो सी न्यू कौन से क्लोज फ्रेंड है. अभी हाईलाइट किए गए क्लोज फ्रेंड का भी एड्रेस पता है, मोबाइल नंबर भी पता है, एंड बाकी के भी पता है. मम्मी पहले कहाँ पे फोन करेगी इसको फाइंड करने के लिए, क्लोज फ्रेंड्स पे. देखो, ये भाई साहब कहीं पे भी घूम सकते थे, करेक्ट और नॉट, कहीं पे भी हो सकते थे, यस और नो? ही कुड हैव बीन एनीवेयर एनीवेयर, बट मम्मी को पता है कि वो उसके मैक्सिमम मिलने की जो संभावना है वो ये 6 फ्रेंड के घर में हो सकती है. एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? आर यू फॉलोइंग मी? इसके मिलने का प्रोबेबिलिटी रीजन ये है, नहीं कि पूरा का पूरा हो सकता था कहीं पे भी, लेकिन मिलेगा कहां पे? नहीं, इतने में नहीं, नहीं माफ करो, इतने में ही, करेक्ट नॉट? अच्छा, मम्मी ये भी पॉइंट आउट करके नहीं बता सकती है कि वो यहीं पे होगा या यहीं पे होगा या यहीं पे होगा या यहीं पे होगा, बट सी इज 100% श्योर कि ही विल बी हियर. उसके मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक रीजन के अंदर ही है, बराबर ना? द पॉइंट ओवर हियर इज दैट दिस बॉय कुड हैव बीन एनीवेयर एल्स, बट यूजिंग कॉमन सेंस उसके मिलने का जो रीजन है वो ये है जहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. अगर आपके पास एक एटम है, एटम काफी बड़ा है,
बट इलेक्ट्रॉन ये एटम में कहीं पे भी घूम सकता था. इलेक्ट्रॉन कुड हैव बीन एनीवेयर, दिस इलेक्ट्रॉन कुड हैव बीन एनीवेयर, बट वो हर एक जगह पे नहीं घूमता है. वो पर्टिकुलर एक रीजन ऐसा है जिसके अंदर ही घूमता रहता है, बराबर है कि नहीं? इट कीप्स ऑन मूविंग इन दैट रीजन ओनली. सो दैट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हिम इज मैक्सिमम, दैट रीजन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. दिस वॉज सेमिस्टर वन कंसेप्ट. आई हैड टॉट इट द सिमिलर वे इन फैक्ट, बट अगेन आई एम रिकैप्चरिंग बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हैव जॉइंड इट बैक. मीन्स ये सेमेस्टर में ही ज्वाइन किया है, तो आई डोंट नो वेदर दे कंसेप्ट वॉज क्लियर और नॉट. आई गेटिंग, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल इज पूरे एटम में नहीं घूमेगा, एक पर्टिकुलर रीजन है वहीं पे घूमता है, और वो अलग अलग टाइप के रीजन है. वो कैसे अलग अलग टाइप के रीजन है? नॉट ओनली दैट, इफ यू विल कंटिन्यू फॉर द, ये तो रीजन ही घूम रहा है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, ठीक है. ये जब घूमता है तो एक कर्व के फॉर्म में घूमेगा. इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ पर्टिकुलर शेप. नाउ आप मुझे बताओगे यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है y. अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल y की बजाय व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. y इज इट कॉल्ड लाइक दिस? करेक्ट. इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन अगर इसको मैं इसका जो सॉल्यूशन लेके मैं अगर प्लॉट ड्रॉ करूंगा, ग्राफ को प्लॉट करूंगा, इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिनियर इक्वेशन. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद दिस लाइन. देयर इज अनदर इक्वेशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ कर्व. आप मैथ्स में पढ़ाई करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. देयर इज अनदर इक्वेशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस कर्व. दिस कर्व सॉरी इलिप्स के साथ भी है क्या? देयर इज अनदर इक्वेशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस कर्व. एवरी कर्व इज एसोसिएटेड विद एन इक्वेशन. And every equation has a curve. Every equation has a curve. If you solve this equation, ये equation को अगर आप solve करते हो and उसके solution को plot करते हो, तब जाके आपको ये मिलता है. Are you following that? So coming back to our point, where we were learning over here, कि यहाँ पे भी एक curve है. Every orbital has a curve. Rather say एवरी ऑर्बिटल विच इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट रीजन का जो कर्व है उसका भी एक इक्वेशन होता है जो हमने पढ़ाई किया लास्ट सेमेस्टर में. माफ करना गलत लिखा मैंने, डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ई माइनस वी अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, या तो आई थिंक एच इक्वल्स टू जीरो समथिंग लाइक दैट इन टू साई. दैट इज द इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट सॉल्यूशन वी गेट डिफरेंट कर्व्स एसोसिएटेड विद दिस, एंड दोज कर्व्स आर नोन एज दिस ऑर्बिटल्स. Different curves. Are you following me? So first of all, I taught you what is atomic orbital. What is, okay, and every atomic orbital is in the form of curve. Every atomic orbital is in the form of curve. And every curve has an equation. Every curve has an equation. Now, if we continue further. See, we were talking about basically overlapping of orbitals, and orbitals are what basically? They are a region where the probability of finding electron is maximum, and the region are basically curve. तो जब दो orbital एक दूसरे को overlap करने वाली है,
तो किस तरीके से करती है वो जरा समझते हैं. एक्चुअली जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करती है, दैट मींस टू कर्व्स आर एक्चुअली ओवरलैपिंग ईच अदर. एंड जब दो कर्व एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो कैसे करते हैं, मैं समझा रहा हूं आपको. आई गॉट वन कर्व ओवर हियर. ठीक है, एंड द सेकेंड कर्व इज ओवर हियर. ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप. आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो है उसको हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड इतने ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एम्पलीट्यूड बोलते हैं. करेक्ट और नॉट, यू नो अबाउट दिस. आगे मैं बढ़ू उससे पहले और एक चीज मैं करना चाहता हूं, वो चीज ऐसी है. मैंने यहां पे ये जो कर्व के सर्टेन पार्ट थे उसको मैंने हाइड कर दिया है, यू कैन सी दैट. अभी जितना पार्ट कर्व का आपको दिख रहा है उसमें एक चीज पिक्यूलर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो. वो चीज ऐसी है कि जो ब्लू कर्व है या तो रेड कर्व है, दोनों के दोनों यहां पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रखते हैं. करेक्ट नॉट, एंड यहां पे दोनों के दोनों नेगेटिव एम्पलीट्यूड रख रहे हैं. यहां पे इतने पार्ट में वापस क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रख रहे हैं. इतने पार्ट में वापस क्या रख रहे हैं, नेगेटिव. इतने पार्ट में पॉजिटिव, इतने पार्ट में पॉजिटिव एंड यहां पे नेगेटिव. करेक्ट है ना. तो यहां पे ये दो जो कर्व एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या तो इकट्ठे हो रहे हैं, वो इस तरीके से हो रहे हैं कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ नेगेटिव. मतलब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव वे ऐड कर रहे हैं. अगर मैं इनका एडिशन लू, सपोज ये +3 है, ये कितना है +3, एंड ये 0 है, तो दोनों का एडिशन कितना आएगा आपके पास, +3. यहां पे ये 4 है एंड ये 2 है, तो दोनों का एडिशन कितना आएगा, 6. ओके, यहां पे ये दोनों 4 एंड 2 वापिस 6 आएगा, यहां पे 3.5 एंड 3.5 7 आएगा, लाइक दैट. और अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो इट विल बी लाइक दिस. इन दोनों का एडिशन होकर ये मुझे ग्रीन कर्व मिलेगा. एम आई राइट और रॉन्ग, करेक्ट और नॉट, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं. यहां पे भी ऐसा ही मिलेगा. सो सेम वे ओवर हियर, सो सेम वे ओवर हियर. करेक्ट और नॉट, आपको समझ में आ रहा है. ओके, नाउ कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू. इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है, आपकी भी 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 जरूरत नहीं है. आपकी जरूरत है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से. See, I had covered up another regions over here. And if you see, जो region आपके पास अभी open आ रहे हैं उसके अंदर clearly आप देख रहे हो, red part जो है positive में है, blue part किस में, एक दूसरे के opposite आ रहे हैं. So same thing over here. यहाँ पे क्या हो रहा है, blue positive है, red negative है. What about this?
Correct or not? Same thing happens over here. Are you following me? So, अगर ये region में ये क्या करते हैं जरा ध्यान से समझना. अगर ये प्लस थ्री है तो ये जीरो है, ये प्लस टू है, उन दोनों का रिजल्ट ये रीजन ये आएगा, एडिशन ये आएगा. ये अगर प्लस टू है तो ये क्या इतना है माइनस टू है, उन दोनों का एडिशन क्या आएगा जीरो. सेम वे ये आएगा माइनस थ्री. समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक दूसरे को कैंसिल करते हैं एक्चुअली, एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसिल. और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो इट विल बी लाइक दिस, और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस. एम आई राइट? कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अगर हम देखते हैं यहां पे, तो आपको ये एक रिजल्टेंट मिल रहा है. करेक्ट ऑनर? इस एक का एडिशन और दूसरे का सब्ट्रैक्शन. एक रीजन ऐसा था जहां पे ये एक दूसरे को ऐड कर रहे थे, जहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे. और एक रीजन ऐसा है जहां पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. करेक्ट ऑनर? जब भी दो कर्व एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं उस टाइम पे देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. सम इस तरीके से कंबाइन होकर एक दूसरे को ऐड करेंगे, एंड सर्टेन इस तरीके से कंबाइन होते हैं जो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं. करेक्ट ऑनर? समझ में आ रहा है? This is what I am explaining over you over here. When overlapping of atomic orbital takes place, two atoms come near to each other, there is an overlapping of atomic orbital. This overlapping can be positive overlapping, ek dusre ko add karte hue, it may be negative overlapping, or it may be zero. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स. देखते हम तीनों अरेंजमेंट देखते हैं. यहां पे हमको देखने को मिल रहा है, अच्छा बाय द वे नाउ ऑनवर्ड्स पीजेड को हम हॉरिजॉन्टल लेंगे. पीजेड ऑर्बिटल को हम कैसे लेने वाले हैं? हॉरिजॉन्टल लेने वाले हैं. तो यहां पे पीजेड पीजेड कंबाइन उस तरीके से हो रहा है कि इसका पॉजिटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को ओवरलैप कर रहा है. एवरी ऑर्बिटल हैज two parts, positive direction and negative direction. Every orbital has that. तो अगर एक का positive दूसरे के positive के साथ overlap हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Positive overlap. यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, इसका positive उसका positive, positive overlap. यहां पे क्या हो रहा है, एक का positive दूसरे के negative के साथ overlap हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यहां पे भी negative overlap हो रहा है, एक का नेगेटिव पार्ट है और इसका स्फेरिकल का खाली पॉजिटिव ही होता है, उसका नेगेटिव है नहीं है ना? करेक्ट? उसका पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है. आर यू फॉलोइंग दिस? ये मैं ओवरलैप की बात करूं, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जैसे वो कव में रेड का ऊपर था ब्लू कव नहीं था, एक दूसरे को कैंसिल कर देते. बराबर है कि नहीं? लाइक दैट. Are you following me? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? Now, I'll continue further. ध्यान से देखना. इसमें क्या हो रहा है? अगर ये इसके न्यूक्लियाई है दोनों, और दोनों न्यूक्लियाई को मैं ज्वाइन करता हूं तो ओवरलैप है उनके बीच में से पास हो रहा है. द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई जिसको हम एक्सियल बोलते एक्सिस बोलते सॉरी क्या बोलते एंड ओवरलैप इज पासिंग थ्रू दैट एक्सिस. तो ऐसे ओवरलैप को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप. क्या बोलेंगे? एक्सियल ओवरलैप विच इज पॉजिटिव ओवर हियर. यहां पे भी एक्सियल ओवरलैप है बिकॉज ओवरलैप इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई
बट उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप तो है लेकिन कौन सा है, ये दोनों एक्सियल थे, यू कैन सी दैट। बट यहां पे बाय द वे ये पॉजिटिव ओवरलैप है, यू कैन सी दैट, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। बट अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं एक्सिस को, ओवरलैप उसके ऊपर नीचे, इज नॉट पासिंग थ्रू दैट, देन इट्स कॉल्ड नॉन एक्सियल ओवरलैप। देन इट्स कॉल्ड, ये पॉजिटिव नॉन एक्सियल ओवरलैप, दिस इज नेगेटिव नॉन एक्सियल ओवरलैप, ये भी पॉजिटिव नॉन एक्सियल ओवरलैप, दिस इज नेगेटिव नॉन एक्सियल ओवरलैप। इज देयर एनी डाउट ओवर हियर, पता चल रहा है आप लोग को, विल कंटिन्यू फॉर द एक जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप में होता क्या है, इफ यू सी पे अटेंशन टू दिस पार्ट, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव हो रहा है एंड दिस पार्ट इज नेगेटिव, सो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिला के क्या हो गया, जीरो। एंड इसके अंदर तो देयर इज नो ओवरलैप एट ऑल, इसलिए जीरो। आर यू फॉलोइंग दिस, दिस assumptions ऑफ ओवरलैपिंग, हमने जो assumptions बताए, assumption ये थे कि भाई एक तो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल सिमिलर सिमेट्री की होनी चाहिए, आप देख रहे हो एक ही टाइप की सिमेट्रिक एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, पी वाई के साथ पी वाई, पी एक्स के साथ पी एक्स, एक ही सिमेट्री की ओवरलैप एक दूसरे के ओवरलैप हो रही है। सेकंड क्या हो रही है, प्रॉपर एनर्जी के साथ, एनर्जी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। एंड थर्ड एसम्पशन था ओवरलैप शुड बी इतना तो होना चाहिए कि बॉन्डिंग मैक्सिमम बने, जितना ओवरलैप ज्यादा उतना बॉन्ड बनता है। ओके, नाउ द एसम्पशंस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज एप्लीकेबल टू होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियम। होमोन्यूक्लियर का मतलब है एक ही टाइप के एटम बार बार कंबाइन हो रहे हैं लाइक H2। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब HCl, एक H का है एक Cl का है। इट मे बी डायटमिक H2 HCl, इट मे बी पॉलीएटमिक लाइक CO2। कहीं पे भी आप ये चीज को अप्लाई कर सकते हो, assumptions ऑफ ओवरलैप। बट assumption जो हमने ये बात की, हमने ओवरलैपिंग के जो बात किया, वैलेंस बॉन्ड थियरी ये पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने जब चालू किया था ये टॉपिक, तब मैंने बताया था वी आर गोइंग टू स्टडी टू इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन इज द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। हम वैलेंस बॉन्ड अप्रोच लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, आज उसका दूसरा पार्ट ले रहा हूँ। ये जो ओवरलैपिंग है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ही है, वो कौन सा है, बट वैलेंस बॉन्ड अप्रोच को वो ओवरलैपिंग के बारे में जरूर बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग के बारे में भी जरूर बताता है, बट एक चीज वो नहीं बता पाता थी, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग या तो शेप ऑफ बॉन्डिंग या तो डिरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मीथेन है आपके पास, तो मीथेन को हमको पता है कार्बन सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, 2s2 2px1 2py1 2pz0, देन एक्साइटेड स्टेट में वो कहाँ पे जाता है, 2s1 2px1 2py1 2pz1। नाउ इसके पास चार ऑर्बिटल है, उसके पास कितने ऑर्बिटल है, चार हाफ फिल ऑर्बिटल है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी आपके पास हाफ फिल ऑर्बिटल होनी चाहिए, इसके पास चार हाफ फिल ऑर्बिटल है जो उसके साथ एटम कंबाइन होने वाला है। कार्बन का ये बात हो रही है, ये कार्बन की चार हाफ फिल, अभी चार हाइड्रोजन आएंगे उनके पास भी हाफ फिल है, 1s 1s 1s, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे जो कार्बन की तीन पीएक्स पीवाई एंड पीजेड है जो 90 डिग्री पे है, उसके साथ हाइड्रोजन की तीन ऑर्बिटल कंबाइन होगी, कितनी ऑर्बिटल कंबाइन होगी, 1s 1s, और ओवरलैप हो रही है अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग थियरी, वो क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है एंड बॉन्ड बनाएगी। अगर बॉन्ड बनाती है तो वी नो दिस पी एक्स पी वाई पी जेड इज एट 90 डिग्री एंगल, कौन से एंगल पे है, 90, तो बोलते हैं यहाँ पे 90 का एंगल बनना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कितना एंगल बनना चाहिए, 90 का बनना चाहिए। एंड चौथा जो है वो 2s इसका बाकी है, 2s एंड 1s के साथ बॉन्डिंग होगा, इस कार्बन का 2s एंड हाइड्रोजन का 1s, ओवरलैप हुआ लेकिन इसका तो कोई डायरेक्शन मिलेगा भी नहीं। सो ओवरलैपिंग थियरी डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि मीथेन के पास टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर क्यों है, वो
खाली यही बताता हूँ, बॉन्ड ओवरलैप होना चाहिए, ऑर्बिटल ओवरलैप होनी चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैप होनी चाहिए. सो ओवरलैपिंग थियरी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, दिस एजम्पशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड एंगल इज 10928. हमको जो वैलेंस बॉन्ड है वो कितना बताता है, 93 के एंड 2s के लिए कुछ भी नहीं, एनी डिफरेंस से हो सकता है. हेंस कंक्लूजन ये आता है, इट कैन बी सेड दैट द ओवरलैप ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट पोसेस इज वेक्टर प्रॉपर्टीज इन द सिमिलर वे. इट कैन नॉट से अबाउट वेक्टर प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. तो ये एक उसका लिमिटेशन था. किसका? विल कंटिन्यू फर्दर विथ अवर ओवरलैपिंग पॉइंट, द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड इज पाई बॉन्ड. सी ओवरलैपिंग ऑफ एसेस, देयर आर वन ऑर्बिटल वेयर द टू एस ऑर्बिटल्स आर गेटिंग ओवरलैप. क्या हो रहा है यहाँ पे, दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, एक एस ऑर्बिटल यहाँ पे थी एंड दूसरी एस ऑर्बिटल यहाँ पे, वो ओवरलैप होके इस तरीके से होगी कि ओवरलैपिंग इज बेसिकली एक्सियल ओवरलैपिंग. कौन सा ओवरलैपिंग है? और उस टाइप से जो बॉन्ड बनता है उसको हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे. व्हाट डू वी कॉल इट? सिग्मा बॉन्ड जरूरी नहीं है कि एस एस ओवरलैपिंग में ही बनता है, इट मे टेक प्लेस इन एस पी ऑर्बिटल ऑल्सो, इट मे डस टेक प्लेस इन एस पी ऑर्बिटल. यू कैन सी ओवर हियर, वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल आर ओवरलैपिंग ओवर हियर एंड द ओवरलैपिंग इज पासिंग थ्रू द एक्सिस. एक्सियल ओवरलैपिंग है एंड वेन एवर द एक्सियल ओवरलैपिंग इज देयर वी कॉल इट सिग्मा. यहाँ पे सिग्मा एस पी ओवरलैपिंग है. सिमिलरली पी पी ओवरलैपिंग, यू कैन सी दैट ओवरलैपिंग इज पासिंग थ्रू, दैट्स अ सिग्मा वन. देन व्हाट डू वी हैव? पाई बॉन्ड. यहां पे पी पी का ओवरलैप हो रहा है बट वेन वी ज्वाइन इट, ओवरलैप इज ओवर हियर एंड एक्सिस इज ओवर हियर. बाय द वे ये दोनों ओवरलैप एक दूसरे को पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, बट दे आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस. सो इन दिस टाइप ऑफ पाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन द एक्सिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर ओवरलैपिंग, ओवरलैप जो हो रही है उसकी एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. एंड एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग. Okay, if the magnitude of overlapping is less, then the bond will be strong. If the magnitude of overlapping is less, then the bond is less strong. And if the magnitude of overlapping of the atomic orbital in sigma bond formation, if it is more, magnitude is more, then the bond is strong. In पाई बॉन्ड, याद रखना सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग है. व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग? बिकॉज उसमें मैग्नीट्यूड ओवरलैपिंग इज मोर. बट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन मैग्नीट्यूड ओवरलैपिंग इज लेस बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज साइड वाइज एंड लेस, एज अ रिजल्ट पाई बॉन्ड इज वीकर रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड.